सिंगल यूज पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है, लेकिन यह अभियान सफल नहीं हो रहा। नगर निगम प्रशासन के द्वारा छोटे दुकानदारों के खिलाफ तो कार्यवाही की जाती है, लेकिन जो बड़े सप्लायर हैं और निर्माता हैं, उन पर कार्यवाही नहीं की जा रही, जिसके चलते छोटे व्यापारियों पर आक्रोश है। पूरे मामले को लेकर नगर निगम महापौर अजय मिश्रा बाबा ने कहा कि वह चाहते हैं कि पॉलीथीन का निर्माण बंद हो जाए। उन्हें आज ही जानकारी मिली है कि बड़े दुकानदार उपयोग कर रहे हैं और बाजार में पॉलीथीन बिक्री हो रही है। निश्चित तौर पर छोटी व्यापारियों से जानकारी लेकर कि कहां से पॉलीथीन आती है, उन पर भी कार्यवाही का निर्देश देंगे। वहीं छोटे व्यापारियों ने कहा कि हम लोग छोटी मोटी दुकान चलाकर भरण पोषण करते हैं, जिसमें चालानी कार्यवाही की जाती है, जबकि बड़े दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती है। आपको सुनाते हैं छोटे कारोबारियों को और महापौर को पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र गुप्ता। किस तरह आपको परेशान किया जा रहा है? पहले करते रहे, साइट पर बंद है, आज नहीं कर रहे। जुर्माना ले रहे थे पनीर का? पहले तो चलान भी काट देते रहे, अब तो इस समय नहीं काट रहे कुछ, सब बंद है। लागत असलम खान। नगर निगम द्वारा किस तरह परेशान किया जा रहा है पन्नी को लेकर? बहुत परेशानी भैया, नगर निगम परेशान करती है, पन्नी ले जाती है। अब बताइए, आदमी इतनी महंगी पन्नी खरीदता है, उठा के ले जाते हैं, बताइए क्या किया जाए? रोजगार करना आदमी बंद कर दे भाई, कस्टमर तो झोला ला के लाता नहीं है। अब आज जुर्माना करते हैं? कितने का जुर्माना करते हैं? नहीं, जुर्माना उर्माना तो नहीं होता है, मान लीजिए वही पर्ची का लगता है, बाकी जुर्माना उर्माना नहीं होता। कार्रवाई तो चल रही है पन्नी को लेकर? हाँ, कार्रवाई तो चल रही है पन्नी को लेकर। राजू खान। ये आप लोग केला बेच रहे हैं नगर निगम द्वारा, आप लोग नगर निगम पन्नी उन्नी ले जाती हैं, बोलती यहाँ ना लगाओ, कहाँ ले जाए हम लोग, पेट तो पालना है। पन्नी को लेकर जुर्माना कर रहे हैं आप? हाँ, पन्नी ले जाते, चलान काटते हैं नगर निगम वाले, बोले पन्नी ना रखो, बोलते हैं हम लोग बोले बड़ी दुकान में चलान करो, बस बोलते नहीं पन्नी ना रखो, बस हो गया। क्या नाम से? शशि कानपुरवार। दुकान क्या नाम से है? कृष्णा किराना छोटी। कल क्या हुआ आपके साथ? ये हो गया कि यहाँ डिस्पोजल टंगी थी, यहाँ डिस्पोजल टंगने के बाद हो गया, आदमी आया कहने लगे डिस्पोजल क्यों टांगे, हम कहें भाई डिस्पोजल टंगी भाई, बाजार मिल रहा तो वही बेच रहे हैं, क्या करें, सामने बिक रहा है, यहाँ बिक रहा है, कागज वाले दे ही नहीं रहे लोग, आए बड़े बड़े दुकानदार हैं, ट्रक में माल रखा हुआ था, हम बेच रहे हैं, तो ये आए 500 मांगने लगे, हम भाई हम कहें गरीब आदमी भाई, हम क्या करें, हमारे 3 बच्चे हैं तो हम क्या करें बताइए, 2 साल से 3 साल से हम खुद परेशान हैं, आई बड़े बड़े ट्रक हैं बाजार में, वो साले बेच रहे हैं इतने तेज से बेच रहे हैं, कोई सीमा नहीं है, अब वहाँ जाके पकड़ नहीं रहे, छोटे छोटे दुकानदार को सब्जी वाले को 500 लिया लिया, बगल वाले सब्जी वाले से पन्नी वाले से 500 रुपये लिया, बताइए आपका कितना सामान ले गए? हमारा 500 रुपये का डिस्पोजल ले गए हैं। जुर्माना कितना किए? जुर्माना 100 रुपये किए। 500 का सामान भी ले गए? हाँ, सामान ले गए। वहाँ जहाँ से आप लाते हैं सामान, जहाँ से गिलास लाते हैं, तो क्या वहाँ नहीं छापा डाल रहे? हाँ, वहाँ नहीं डाले, वहाँ कहाँ डाले, वहाँ से हम लेके आते हैं, सामने खुले हुआ बिक रहा है, टंगा हुआ दुकान, वहाँ नगर निगम वाले नहीं जा रहे, नहीं जा पा रहे हैं। ये पॉलीथीन के कारण मतलब अपने जो पर्यावरण की स्थिति है बड़ी ख़राब होती जा रही है, और हम लोगों की तरफ से पूरा प्रयास है कि पॉलीथीन बंद हो जाए। हमने तो जो जब यहाँ पर एक पॉलीथीन बंद करना, सिंगल यूज पॉलीथीन का एक जब सेमिनार हुआ था, तो उसमें हमने पर्यावरण विभाग के अधिकारियों से बोला भी था कि आप थोक विक्रेताओं के यहाँ छापा डालिए और उनके यहाँ से पन्नी को जब्त करिए। मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि ये पॉलीथीन वहाँ से बनाना ही बंद करवा दें। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये बात सही बताई, संज्ञान में लाया, आज ही इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि आप ठेला वालों को कम तंग करें, और जो मेन थोक विक्रेता ठेला वाले से बल्कि पूछें कि आप कहाँ से ले आए हो, और उसको उसके खिलाफ कार्रवाई करवाते हैं।